मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इन जैसी वाहियात सीरीज के सेकंड सीजन की डिमांड कौन कर लेता है। मतलब जैसे फर्स्ट सीजन था उसकी जैसी आईएमडीबी के ऊपर रेटिंग है, तो किसी को भी इससे कोई पड़ी नहीं है कि इसका सेकंड सीजन आए। तो आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं शी के सेकंड सीजन के बारे में। नेटफ्लिक्स पर इसको रिलीज किया गया है। अभी इस सीरीज को खत्म करने से पहले मैंने द बॉयज का 5th एपिसोड देखा था अमेजोन प्राइम के ऊपर, और एकदम बढ़िया कंटेंट से आप एकदम कचरा कंटेंट पे जाते हो तो आपके दिमाग की धज्जियां उड़ जाती हैं। खैर, शी के बारे में बात कर लेते हैं। इसके फर्स्ट सीजन में जैसे इसको दिखाया गया था, भूमि नाम की एक कॉन्स्टेबल होती है जिसको एक ड्रग माफिया को पकड़ना है। अब देखना कितना बढ़िया दिमाग लगाया इसके मेकर्स ने, एक ऐसी कहानी लिखते हैं जिसके अंदर ऐसा दिखाया जाएगा कि भूमि नाम की एक कॉन्स्टेबल उसको प्रोस्टिट्यूट धंधे में, यानी कि उसको प्रोस्टिट्यूट बना के, वही बात सेम बोल दी होगी मैंने, कि उसको प्रोस्टिट्यूट बना के सड़क पे उतारते हैं। वहां पर जो ड्रग माफिया का जो एक लीडर है जिसका नाम नायक है, और शायद उसको उस सड़क से वो पिक करके अपने घर पे ले जाएगा। और ये लड़की जो जिसको प्रोस्टिट्यूट बनाया गया है, जो एक्चुअल में कांस्टेबल है, भूमि जिसका नाम है, वो उससे अपने उसके जो राज है जिसका नाम नायक है, उसके राज वो निकालकर पुलिस वालों को सौंप देगी। कितना बढ़िया एक कंटेंट हमारे सामने आता है। कितनी ही मेहनत की गई होगी इसको सोचने में कि इतना बढ़िया प्लान बनाते हैं, यहां पर सड़क के ऊपर एक प्रोस्टिट्यूट बना के खड़ा कर देते हैं। भाई साहब, मैं सच कह रहा हूं कि इन जैसे लोगों को अपने दिमाग का इलाज कराने की बहुत ज्यादा जरूरत है यार। इनकी वजह से हमें सहना पड़ जाता है, इतना बकवास कंटेंट, हम कंटेंट भी क्यों कह रहा हूं, इतनी बकवास वेब सीरीज हमें झेलनी पड़ जाती है। और कहानी यहीं पर ही नहीं रुकती है। जो भूमि है इसको एहसास होता है कि यार मेरी एक एक्चुअल जो पावर है, वुमन एम्पावरमेंट, मुझे यहां पता चली है कि मैं किसी लड़के को, किसी आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हूं क्योंकि मेरे अंदर सेक्सुअल अट्रैक्शन करने की पावर है। ये बात पता चलती है और इसको पता चलता है कि वुमन एम्पावरमेंट हो रही है। मतलब एक लड़की जो एक अच्छी खासी एक पुलिस की कांस्टेबल की जो जॉब पाती है, उससे वुमन एम्पावरमेंट नहीं है, उसको उससे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस किससे आएगा? सड़क पे जाकर प्रोस्टिट्यूट बनने से। ये इसकी थीम है। और जो भी भूमि का जो पर्सपेक्टिव इसमें दिखाया जाता है सेक्स को लेकर, उसकी एक एक्सप्लेनेशन भी सेकेंड सीजन में दी जाती है। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इसकी भी एक्सप्लेनेशन तुम दोगे सीरियसली। और इसके आप करेक्टर आप देखते हो ना, जितनी भी करेक्टर्स इस सी के सेकंड सीजन में या फर्स्ट सीजन में आए हैं, वो आपको लगेगा यार दिमागी रूप से वो पागल हैं। उनके मतलब उनको दिमाग की अपने दिमाग का इलाज कराने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब ये समझ नहीं आ रहा यार इसके मेकर्स ने क्या वो कौन सा वो सस्ता नशा फूंक रखा था जो इस तरीके के करेक्टर उन्होंने लिखे, इस तरीके के डायलॉग उन्होंने लिखे। कोई भी रेलेवेंट आपको डायलॉग, कोई सीन आपको नहीं लगेगा। पुलिस जिस तरीके से इसके अंदर रिप्रेजेंट की गई है, वो तो एक नंबर की बेवकूफ दिखाई गई है। मुझे तो लगता है कि यार पुलिस वालों को इनके ऊपर केस कर देना चाहिए कि इस तरीके की कोई पुलिस होती है। यार कोई ढंग का सीन नहीं है यार, पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है आपको लगेगा नहीं यार, जोकर लग रहे हैं यार वो, इतना बकवास तरीके से। और जो नायक है, जो इस सीरीज के अंदर मेन विलन दिखाया गया है, वो भी कोई महान विलन नहीं है, वो भी एक नंबर का जोकर ही है यार। जिस तरीके की उसकी डायलॉग, जिस तरीके की सोच उसमें दिखाई गई है, सच में इसके जो मेकर्स हैं वो मुझे लग रहा है कि जिन्होंने ये करेक्टर लिखे हैं वो खुद दिमागी रूप से, मतलब उनका पागलपन ही हुआ होगा, या फिर वो हिले हुए होंगे थोड़े बहुत, जो इस तरीके की सीरीज हमारे सामने लेकर आ गए होंगे। या फिर इस सीरीज को देखकर ऐसा महसूस होता है कि जो इसके मेकर्स हैं वो ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम जिस्मानी प्रदर्शन के ऊपर, गाली गलौज के ऊपर, सेक्स की बातें करके ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जनता को तो यही चाहिए होता है ना। और एक्चुअल में आप देखें ना, अभी जैसे आश्रम का 3rd सीजन आ चुका है, इसका 4th सीजन भी आएगा, वहां पर आप ओवरऑल अगर देखते हैं, खंगालते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलता है? बस यही कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्स है, गाली है, और इसी के बिहाफ के ऊपर चीजें चलाई जा रही हैं भारत के अंदर। और एंटरटेनमेंट की दृष्टि से भारत में कितनी ज्यादा कमी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे देश के अंदर जो टैलेंट है उसकी कमी है, वो है, कहानी लोग बहुत अच्छी लिख सकते हैं, लेकिन उनको जगह नहीं दी जाती। जगह किन जैसे को दी जाती है? नेटफ्लिक्स किन जैसे कंटेंट को खरीदता है? इस जैसे वाहियात कंटेंट को, जिसके अंदर सिर्फ उसे सेक्स को ग्लोरीफाई किया जाता है, वुमन एम्पावरमेंट को मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि अगर वुमन यानी औरत को सशक्तिकरण करना है, उसको मजबूत करना है, तो भैया उसको अपनी सेक्सुअल पावर पहचाननी होगी। और यह सब चीजें बड़ी ही खूबी, बहुत ही जोर शोर से शी के पूरे सीजन में, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में दिखाई जाती है। सी के सेकंड सीजन में जैसे इन्होंने थीम रखी है कि हम डार्क, सीरियस, सस्पेंस वाली एक हम यहां पर थीम लेकर आएंगे, करेक्टर को ऐसे दिखाएंगे कि वो बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा दुखी है। भाई साहब, वो किसी एंगल से दुखी नहीं लगते, किसी एंगल से वो सीरियस नहीं लगते, वो सिर्फ सिर्फ आलसी लगते हैं। उनको बात करने में, अपने जबान खोलने में भी, मैं कहता हूं कि मुंह खोलने में उनको तकलीफ होती होगी। हाँ ये वो है,
भाई वो इतने बोरिंग करेक्टर हैं, इतने बोरिंग तरीके से उनको डायलॉग दिए गए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा करेक्टर्स, उन्होंने तो भैया जैसे मेकर्स ने बोला हुआ उन्होंने अच्छे से प्ले कर दिया, हमारे सामने दिखा दिया कि भैया इन्होंने एक बोरियत सी सीरीज बना के देनी थी और हम इस करेक्टर को बोरियत के तरीके से रिप्रेजेंट करना है वो हम कर रहे हैं, जो कलाकार ने अच्छा रिप्रेजेंट किया है हमारे सामने। साढ़े 5 घंटे लगा दिए, लगा क्या दिए, बर्बाद कर दिए इस सीरीज को खत्म करने में। यार वो जो एक एंडिंग का एक एपिसोड आता है रही सही कसर, वो पूरी कर देता है। कहीं से भी वो रेलेवेंट उसका लॉजिक आपको नहीं मिलेगा कि भूमि एक्चुअल में क्यों ये कर रही है, किस लिए वो कर रही है। और जो इसका फर्नांडिस जो एक लीडर जिसमें एसपी जो भी है वगैरह वगैरह, इसमें पुलिस इंस्पेक्टर जो भी दिखाया गया है उसका कोई भी तुक आपको नजर नहीं आएगा, सबसे गधा करेक्टर कहूंगा मैं उसके। और रही सही कसर वो जो लास्ट का एपिसोड है जिसमें जो भी एंडिंग दिखाई जाती है आप उससे कहीं पर भी मतलब कनेक्ट नहीं हो पाओगे, क्यों दिखा रहे हो, किस लिए दिखा रहे हो, इससे हो क्या जाएगा। यार वो लड़कियों को वो पकड़ कर लास्ट में बंदूक पकड़ा रखी है और दिखा दिया कि भूमि भाई अलग ही एक इंसान बन गई है। अरे यार दिमाग खराब कर दिया इस सीरीज ने पूरा खत्म करते करते। यार मैं सच कहूंगा कि क्या सोचकर जो मेकर्स हैं वो इस जैसी सीरीज बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेक्स के आधार पर भारत के अंदर कंटेंट चलाना है इसके आधार पर, और जनता को खुद सोचना चाहिए कि वो क्या देखना चाहती हैं, इस तरीके के सीरीज को, इस तरीके के कंटेंट को वो आगे बढ़ाना चाहती हैं, वो इस तरीके की डिमांड भी वो करती हैं कि ऐसा लेकर है। यार बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है भारत में एंटरटेनमेंट की जो भी इंडस्ट्री है इसके अंदर, खासकर बॉलीवुड की तरफ हम देखते हैं या हिंदी सिनेमा के अंदर हम देखते हैं या हिंदी कंटेंट वेब सीरीज जो भी हम देख लेते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत सुधार की जरूरत है। और वाकई में उन लोगों को आगे आना चाहिए जिनके पास कहानी अच्छी है, इन जैसे लोग जो मेकर्स हैं जो पता नहीं क्या कचरा बनाकर लोगों को रिप्रेजेंट कर देना चाहिए, लोगों को पहचानना चाहिए और इनसे दूर ही रहें, काफ़ी बढ़िया। और नेटफ्लिक्स को बहुत सोच समझकर अपने प्लेटफॉर्म का यूज़ करना चाहिए, वरना आने वाले टाइम में ऐसी चीज़ें रखेगा तो लोग भूल जाएंगे कि नेटफ्लिक्स भी हुआ करता था। अमेजोन को देखो, इतनी बढ़िया सीरीज उनके ऊपर वहाँ पर हमें देखने को मिलती है, लेकिन नेटफ्लिक्स सुधर नहीं रहा है। तो मेरी तरफ से इस वाहियात, इस घटिया कंटेंट क्यों कह रहा हूं यार, इस कचरे को मैं देना चाहूंगा 0 out of 10। अगर आप लोगों ने सीरीज देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी है। अब वो मत आ जाना ये कहने कि यार तुझे तो देखना ही नहीं आता, उसमें देखने को था ही क्या, जिस्मानी प्रदर्शन देखना था, गाली गलौज सुननी थी, खासकर एक लड़की जब गाली दे रही है वो चीजें सुननी थी, कंटेंट क्या है उसके अंदर, वल्गैरिटी है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। और खैर जिन्होंने नहीं देखी है तो मैं उसको बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करूंगा इस वाहियात घटिया चीज को देखने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।